हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि जितने भी सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस जो आपका फर्स्ट पेपर का जीएस पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये हिस्ट्री वाली सीरीज पूरी देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस आप एक बार याद कर लेते हैं, सारे आंसर याद कर लेते हैं, तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जीएस फर्स्ट पेपर में जो आपको ना आए, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने के राइट आंसर आप दे पा रहे हैं। तो आप फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। आपको स्थान का नाम बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौट कर आए तो उन्होंने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। आपके पास ऑप्शन है चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदौली। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ आपसे एक पर्टिकुलर पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो इलोरा की गुफा है, प्रेजेंट में अवेलेबल है, उनका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या चोल। आपको इनमें से बताना है कि किसके शासनकाल में ये बनाया गया था, कि उन्होंने बनवाया था महाराष्ट्र की इलोरा गुफा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा को बनवाया था, निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है आपके पास हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। तो गाइज, यहां आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर ने ही अर्जुन देव का वध करवाया था, क्योंकि क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के जो लड़का था उसके उसके साथ मिलकर विद्रोह कर रहे थे, तो इस वजह से जहांगीर ने क्या करवाया था, अर्जुन देव का वध करवा दिया था। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है। यहाँ आपसे नेम पूछ रहा है, यहाँ मुगल शासकों के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है आपके पास शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अकबर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन था वो अकबर द्वारा किया गया था, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, वो पूछा गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या लॉर्ड इरविन। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली था। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। ऑप्शन आपके पास दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो गाइस, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे उनका क्या नाम था। ऑप्शन आपके पास अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है और ये 2000 पेपर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी, यानी जो सबसे पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी वो किसके शासनकाल में बनी गई थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है, यानी मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा या कुषाण वंश का शासन सबसे अच्छा रहा, सातवाहन वंश का शासन सबसे अच्छा रहा या कर्ण वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। इनमें से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो गाइज यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी में से मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ज्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का, और उनका जो सेना थी वो भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी था उनका। तो इस वजह से मौर्य वंश का जो भी कला थी या राजनैतिक स्थिति थी वो सभी अच्छी थी। तो मौर्य वंश का शासन इन सभी में से सबसे अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अब आपको ये बताना है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है, किसने गुप्त वंश की स्थापना की है। सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि ये मौर्य वंश के ही, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक ना कि ये गुप्त वंश के संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वही है जिनका इलाहाबाद में स्थम लेख बना हुआ है, और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, समुद्रगुप्त को प्रोवाइड की गई थी। तो ये भी ऑप्शन आपका, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है ये कि नेपोलियन की, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, समुद्रगुप्त को दी गई थी। और इलाहाबाद में इनके जो स्तंभ लेख है उसे क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, वो भी इनसे रिलेटेड है। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। जी हाँ, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। स्थान का नाम पूछ रहा है कि अकबर का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान का क्या नाम है। पहला है अमरकोट, दूसरा है राजाकोट, तो तीसरा है मानकोट और चौथा है नगरकोट। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई कर किसने लगाया था, यानी सिंचाई पर जो कर लगाया था वो किसने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले, यानी पहली बार सिंचाई कर लगाया था, यानी सिंचाई पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। यहाँ शाहजहां के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, और ऑप्शन है आपके पास सलीम, खुशरा, खुर्रम या मुराद। तो गाइस इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, शहजादा खुर्रम। उन्हें खुर्रम के नाम से बचपन में जाना जाता था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनका नाम शाहजहां हो गया था। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। तो बौद्ध धर्म में चार सत्य बताए गए हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। अब आपको ये बताना है कि चौथा सत्य कौन सा है, क्योंकि सभी एक सीक्वेंस में बताए गए हैं। तो पहला कौन सा था, पहला दुख था, फिर दुख समुदाय था, फिर दुख निरोध था, फिर दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला चौथा सत्य कौन सा था, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। ये आपका चौथा, उन्होंने बौद्ध धर्म का चौथा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। स्थान का नाम पूछा जा रहा है आपसे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहीं ना कहीं तो दिया हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या किया उन्होंने, अपने ज्ञान के भी यहाँ पे उपदेश दिए, लोगों को बताया। तो वही पूछा जा रहा है कि आप पहला उपदेश कहाँ दिया था। अगर आप ये पूछ लेता आपसे कि अपना पहला उपदेश किसे दिया था तो वो अलग बात हो जाती, लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, आपसे स्थान का नाम पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी या उरुवेला।
तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया था, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो हमें सबको पता है जैन धर्म में कितने, 24 तीर्थंकर थे, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कौन सा है? पहला ऋषभदेव है, 23वें जो है वो पार्श्वनाथ है, और 24वें जिसे अंतिम तीर्थंकर मानते हैं, जो भी जैन धर्म को मानते हैं, तो वो महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर यानी 24वां तीर्थंकर मानते हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने टोटल तीर्थंकर हैं? 24 हैं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पांच शक्तियों में से जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? जैन धर्म में पांच शक्ति बताए गए हैं और उसमें ये पूछा जा रहा है कि पांचों शक्तियों में से किस पर ज्यादा फोर्स दिया गया, यानी किस पर ज्यादा बल दिया गया, किस पर ज्यादा फोकस किया गया है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है ब्रह्मचर्य। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो गाइज यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांच सत्य जो जैन धर्म में बताए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, यानी गुलरुखी के नाम से जिस भी शासक ने कविताओं की रचना की है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बहलोल लोधी, तीसरा है सिकंदर लोधी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसमें से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी इन सभी में से जो नाम आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा शासक ऐसा था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोधी कौन है? बहलोल लोधी का भाई था। बहलोल लोधी कौन है? जिसने सिंचाई कर लगाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की, ये आपसे पूछा जा रहा है कि खालसा जो पंथ है, खालसा पंथ, उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो इनका जन्म स्थान है पटना, जिसे प्राचीन भाषा में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और उदयन कौन था? उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो अजातशत्रु ने भी ऐसा ही किया था अपने पिता बिंबिसार के साथ, उसने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या इस वजह से की थी क्योंकि उसे शासन करना था। तो उसने अपने राज सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या की, फिर उदयन ने अपने पिता की हत्या की, इस वजह से हर्यक वंश जो था, क्योंकि उदयन जो था वो हर्यक वंश से रिलेटेड था, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो भी थे पिता की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा जाता था, इस वजह से उस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बता दिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सितार का आविष्कार किसने किया था, यानी जो सितार होता है उसका आविष्कार किसने किया था? लतीफ खान ने, अमीर खुसरो ने, जाकिर हुसैन ने, पंडित रविशंकर ने। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, यानी भारत का बिस्मार्क की जो उपाधि है वो किसे दी गई है, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गाइज यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। यहाँ आपसे राइटर का नाम पूछा जा रहा है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। पहला अमीर खुसरो, दूसरा है मिनहाज उस रियाज, तीसरा है अलबरूनी, चौथा है जियाउद्दीन बरनी। तो आपको यहाँ बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो गाइज यहाँ जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा एकदम, अलबरूनी है लेखक। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। अलबरूनी ने इस किताब की रचना की है। कौन सी? किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है, यानी अनेकांतवाद जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है। पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है ब्राह्मण धर्म या चौथा मुस्लिम धर्म। यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनेकांतवाद
किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर एक रचना के बारे में पूछा जा रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, यानी ये जो रचना की गई है किसके द्वारा रचित है। पहला है ऑप्शन जियाउद्दीन बरनी, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है अहमद सरहिंदी, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तारीख है फिरोज शाही की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बरनी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ अंतिम शासक पूछा जा रहा है, ना कि ये पूछा जा रहा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की। मैं आपको ये भी बताऊंगी लोधी वंश की स्थापना की है किसने की है। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। और इसका जो लोधी वंश का जिसने स्थापना की थी वो कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इसके बाद से लोधी वंश खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। यहाँ ऑप्शन आपके पास चार, जिसमें से पहला है शाहजहां, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है अकबर। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। तो यहाँ डी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, यानी टीपू सुल्तान जो थे उनके पिता का क्या नाम था। पहला है हैदर अली, दूसरा है अली मुराद, तीसरा हैदर शेख या चिक्का कृष्णराज। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली था। तो यहाँ ए आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र एक बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रचना किसने की है। पहला है घनानंद, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है पुष्यमित्र। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? कौटिल्य सही हो जाएगा। कौटिल्य किसे कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य ने अपनी शिक्षा कहाँ से गेन की है? नालंदा यूनिवर्सिटी से गेन की है। तो यहाँ मैंने आपको तीन क्वेश्चन बता दिए हैं। पहला कौन? कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का। चाणक्य की रचना कौन सी थी? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। यानी राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था। आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, क्या रीजन था इसके पीछे। ऑप्शन आपके पास, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। दूसरा है कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। तीसरा है कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। या चौथा, वो भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था। तो ये रीजन है इसका। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है मोहम्मद बिन बख्तियार, चौथा है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, वहां जो किताबें थी उनको जला दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार ने। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत भेजा गया था, तो वो कौन था, उसका नाम क्या था। ऑप्शन आपके पास कौटिल्य, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो इनके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। चाणक्य, यही इनको सारी चीजों के बारे में बताते थे, राजनैतिक ज्ञान प्रोवाइड करते थे। तो कौटिल्य तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा है सेल्यूकस निकेटर, तीसरा है मेघास्तनी, चौथा है जस्टिन। तो इसमें से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेघास्तनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेघास्तनीज। और मेघास्तनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें मौर्यकालीन समाज की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया था कि मौर्यकालीन समाज कैसा था, राजनीतिक स्थिति क्या थी। मेघास्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सब कुछ मेंशन किया था। तो यहाँ मेघास्तनीज की एक फेमस बुक है इंडिका, तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी, मेघास्तनीज थी, मेघास्तनीज ने की थी। मेघास्तनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया। ऑप्शन आपके पास अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ या ईसर दास।
यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था, यह बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ऑप्शन आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या डिजरेली। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ गाइस आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिजरेली वो ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने ये स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची, यानी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी चित्रकारी में, बहुत ही ज्यादा लोग अपना फोकस करते थे, अपने शासन अपने उच्चतम स्तर पर थी किसके शासनकाल में, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर को भी चित्रकारी का बहुत ज्यादा शौक था, उन्हें भी चित्रकारी बहुत ज्यादा पसंद थी और जहांगीर के ही शासनकाल के दौरान चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, यहां मेंशन भी है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है, 1919, 1935, 1906, 1909। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में आरंभ किया गया था, तो डी ऑप्शन सही है। देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग भी एक राजदूत था, पूछा जा रहा है किसके शासनकाल के दौरान आया था। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा है आपका रुद्रदामन। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ हर्षवर्धन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो यहाँ 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था, यानी ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष ने या राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान या हकीम अजमल खान। यहाँ आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप तो इसे झट से बहुत ही जल्दी बता देना चाहिए आपको। तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। सबसे पहला कौन आया था, बाबर आया था, बाबर बाहर से आया था, बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था, फिर उसके बाद ही तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बाबर है। तो 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं, यानी खजुराहो में जो ऐतिहासिक स्मारक पाए गए हैं वो किस काल से हैं। चंदेल शासकों के हैं, पाल शासकों के हैं, चोल शासकों के हैं या पल्लव शासकों के हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खजुराहो में जो ऐतिहासिक स्मारक पाए गए हैं वो चंदेल शासकों से रिलेटेड है, यानी चंदेल शासकों का जब राज्य था उस काल के हैं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। यहाँ आपसे सन पूछा जा रहा है कि कौन सा सन था, किस ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, 1526 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में। आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
ऑप्शन है आपके पास 1857, 1853, 1966 या 1866। तो आपको राइट ऑप्शन बता रहे हैं कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1853। अगर आपसे ये पूछा जाता कि भारत में सर्वप्रथम रेल जो आपकी चली थी वो किनके किनके बीच में चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहली रेल आपकी चली थी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका, यानी 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिसे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाया गया था, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसे अंग्रेज बंदी नहीं बना पाए थे, वही ऑप्शन आपको बताना है। तो पहला है मंगल पांडे, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है नाना साहब, चौथा है कुंवर सिंह। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अंग्रेज थे वो कुंवर सिंह को बंदी नहीं बना पाए थे और बाकी सभी को उन्होंने बंदी बनाया था, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास श्री राजगोपालचारी, कैनिंग, डलहौजी या लुइस माउंटबेटन, लुइस माउंटबेटन, यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, यानी अभिनव भारत जो था संस्था थी उसके संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे, यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, हिंदी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई, बंगाली में लिखी गई या असमी में लिखी गई, आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई है, हिंदी भाषा में की गई है, सत्यार्थ प्रकाश आपका हिंदी भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, स्वर्ण मंदिर अभी भी अवेलेबल है, चाहे तो देखने अगर आप देखने जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पूछा है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की है, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु तेज बहादुर, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव कौन थे, वही जिनकी हत्या जहांगीर ने अपने शासनकाल में करवा दी थी, यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसने की थी, यहाँ ये पूछा जा रहा है कब हुई थी, सन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 1682 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में, तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी, 48 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, सत्यमेव जयते अशोक का जो स्तंभ था जो मध्य प्रदेश में आपका बना हुआ है, वो स्तंभ में ये वर्ड मेंशन है सत्यमेव जयते, लेकिन यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है किस से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, कठोप उपनिषद से, ऐत्रियोपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से या मुंडकोपनिषद से, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो 50 नंबर का डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, यानी सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में किसने चलाए थे, कुषाण शासकों ने, सक शासकों ने, पार्थियन ने या यवन शासकों ने, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भारत में यवन शासक आए तो उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यहाँ साइड में आपका ईयर वाइज भी मेंशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 300 की सीरीज है, 300 में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए अगर आप याद कर लेते हैं तो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।